नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर फरुखाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फरुखाबाद से बताई जा रही है। फरुखाबाद में कोरोना महामारी से डरे सहमे लोगों की आखिर प्रतीक्षा समाप्त हुई। जी हां, पूरे देश में आज टीकाकरण हुआ। कोविड की वैक्सीन अब आ चुकी है। आपको बता दें, बीते कई महीनों से कोरोना वायरस से खुद बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे लोग अब राहत की सांस जरूर लेंगे। जिले में 3 सेंटरों पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड 19 वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। जिले के लोहिया अस्पताल, महिला CHC मोहम्मदाबाद व कमालगंज CHC पर 100-100 स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। जिले में कुल 6024 स्वास्थ्य कर्मी हैं। जिलाधिकारी मनवेंद्र सिंह ने फीता काटकर वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया। जिले में पहला टीका जिला अस्पताल महिला की ANM राजेश कुमारी को लगा। फरुखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। अरे क्या हुआ? नाम जिंदगी तो नहीं है। चलो भैया, कोरोना वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया है, क्या व्यवस्था है जिले में और कितने लोगों को देखिए? आज यहाँ पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया है। जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाना है। इस तरह के 3 सेंटर हैं जिन पर आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाना है। सभी तैयारियाँ पूरी हैं। जो डिटेल्स प्राप्त हुए उस हिसाब से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी अपना काम। अभी किसी को टीका लगा है? नहीं, कोहरा काफी है। हम लोगों ने जैसे आए टीका